कल संसद में हम उनसे लगातार ये पूछते रहे कि भाई बताओ तो सही, ये अविश्वास का कारण क्या है जरा बताओ तो। अब जब कारण नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। मोदी मोदी मोदी। ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे नहीं आता है, क्योंकि जब 90,000 करोड़ रुपए इधर उधर जाने बंद हो जाए तो पुराने कितनों की दुकानें बंद हो गई होगी। तो ऐसे गलत कामों को कोई बंद कर दे, भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर दे, मुफ्त की कमाई को बंद कर दे, क्या उस पर वो विश्वास करेंगे क्या? करेंगे क्या? जब 18,000 गांव में बिजली पहुंची, हिंदुस्तान के हर गांव में उजाला पहुंचा, तो उन्होंने शुरू कर दिया। गांव में तो गई, घरों में नहीं गई, घरों में नहीं गई। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, जो हमें सवाल पूछते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये 4 करोड़ घर आजादी के 70 साल के बाद भी अगर उन घरों में बिजली नहीं पहुंची है तो 70 साल तक जो सरकारों में थे वो जिम्मेवार है कि नहीं है? मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कल लोकसभा में तो मैंने मेरा काम कर दिया, आप संतुष्ट हैं? कल लोकसभा में जो हुआ उससे संतुष्ट हैं? आपको पता चल गया उन्होंने क्या क्या गलत किया? आपको पता चल गया वो कुर्सी के लिए कैसे दौड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी के सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता है, न देश दिखता है, न देश का गरीब दिखता है, न देश का नौजवान दिखता है, न देश का किसान दिखता है। तो एक दल नहीं, दल के साथ दल, दल के साथ दल, जब दल के साथ दल हो तो दल दल हो जाता है, दल दल हो जाता है। और जितना ज्यादा दल दल होता है उतना ज्यादा कमल खिलता है। भाइयों और बहनों, अभी हाल में ही सरकार ने यह फैसला किया है कि आपको अब गन्ने पर लागत मूल्य के ऊपर लगभग 80% सीधा लाभ मिलेगा। आज किसानों के नाम पे जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, ये करने के लिए उनको भी मौका था, लेकिन वो घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकारों को आपके लिए निर्णय करने की फुर्सत नहीं थी, चिंता नहीं थी। साथियों, सरकार ने तय किया है कि इस बार जो आप गन्ना बेचेंगे उसका लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए। सरकार ने फैसला लिया कि गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि इससे गाड़ियां जो चल रही है उसके लिए ईंधन भी बनाया जाए। इसके लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना और उसे पेट्रोल में मिक्स करने का निर्णय लिया गया है।